देख सकते हैं ये सिलिकेट है, वाइट कलर का होता है और ये जेली की तरह होता है। ये साबुन का सबसे बेस्ट मटेरियल में से है। यह मार्केट में 25 रुपये केजी मिलता है और 1 किलो साबुन बनाने में आपको इसको कम से कम 500 ग्राम से लेकर 600 ग्राम तक डाल सकते हैं। साबुन की क्वालिटी के हिसाब से इसको आप कम से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चलिए इसको रख देते हैं और नेक्स्ट मटेरियल की ओर बढ़ते हैं। हमारा सबसे ज़रूरी दूसरा मटेरियल है वैक्स। इसको वैक्स बोलते हैं, लोकल में इसको कॉटन भी बोलते हैं, पर आप वैक्स समझ लीजिए, वैक्स है। अगर 500 ग्राम सिलिकेट डालते हैं तो आपको 450 ग्राम वैक्स डालना पड़ेगा, या 600 ग्राम सिलिकेट डालते हैं तो तब वैक्स आपको 350 ग्राम यूज करना होगा। ये भी वैक्स ही है। ये आपका काला साबुन बनाने में और येलो वाला साबुन बनाने में इसका यूज किया जाता है। देखिए मैं इसको काट कर दिखा रहा हूँ, देखने में एकदम सेम काला साबुन की तरह दिखता है, पर ये बेस मटेरियल में से इसको ही आप पिघला के बनाया जाता है। देख सकते हैं आप, दिख रहा है ना साबुन की तरह पूरा। वैक्स का रेट थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है, वैक्स का रेट कंफर्म नहीं रहता है। मेरे पास जो वैक्स अभी है वो 120 रुपये के जी है, इससे कम भी और ज़्यादा भी क्वालिटी के हिसाब से आता है। पाला वाला वैक्स जो था वो थोड़ा सस्ता था, वो 50 रुपये के जी है, पर वो वैक्स एडिशनल में दिया जाता है। अब जो ये देख रहे येलो वाला, ये वैक्स सबसे अच्छा माना जाता है साबुन बनाने के लिए। इसका रेट थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, ज़्यादा नहीं बस थोड़ा सा ही ज़्यादा रहता है। इसको भी काट के दिखाते हैं, ये भी दिखने में सेम साबुन की तरह रहता है। चलिए इसको थोड़ा काट लेते हैं। ये देखिए दिख रहा है ना साबुन की तरह, येलो साबुन की तरह। अगर किसी को वैक्स नहीं मिलता है तो हमसे संपर्क कीजिए, हम आपको हेल्प ज़रूर करेंगे। ये हाइड्रोजन पेराऑक्साइड है, जिसे मैं एक बोतल में निकाल कर रखा था। आपको डालने से ही जो ब्लैक वाला वैक्स रहता है ना, जब डाल देते तो उसका कलर चेंज होके येलो हो जाता है। साबुन का कलर आप जब बनाएंगे तो येलो आएगा, येलो ज़्यादा डालने से वाइट हो जाता है। ये डालडा है, ये खाने वाला डालडा नहीं है, ये सस्ता वाला डालडा है जो सस्ता में आता है। इसका रेट तो बताने नहीं पड़ेगा, ये तो आपको यहाँ ईजिली मिल जाएगा इसीलिए। ये एसिड सैलरी है, ये ब्लैक जैसा रहता है, ये साबुन में झाग डालने के लिए आता है, इसका भी क्वालिटी आता है। ये इसका रेट 170 लीटर है। आप सभी को तो पता है ये झाग बनाने में काम आता है। आप हाथ से नहीं टच कीजिएगा तो अच्छा रहेगा, मैं तो फिलहाल पकड़ रहा हूँ पर साइड से पकड़ा हूँ। जो न्यू है वो सावधानी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। देखिए मैं भी ग्लव्स पहन लेता हूँ, देख सकते हैं ग्लव्स पहन लगता है, सेफ्टी फर्स्ट। उनके काम में हमेशा आप ग्लव्स पहन के काम कीजिए, खुले हाथ से मत कीजिएगा। चलिए अब कास्टिक निकालते हैं, आपको दिखा देते हैं कास्टिक भी अच्छे से और एक बार। कास्टिक 90 से 100 रुपये के जी आराम से मिल जाता है। कास्टिक तो मार्केट में इजीली मिल जाता है, सबसे ज़्यादा साबुन बनाने में दिक्कत आता है वैक्स का, सबसे वही जल्दी मिलता नहीं है। चलिए देख लीजिए और एक बार कास्टिक कैसा होता है। ये देख लीजिए वाइट कलर का होता है, ये इसको कास्टिक फ्लेक्स बोलते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं सॉप स्टोन पाउडर, ये साबुन का वेट बढ़ाने का काम आता है। आपको अगर साबुन का वेट बढ़ाना है तो उसमें ये अपना सॉप स्टोन पाउडर को डाला जाता है, ये वाइट कलर का होता है। आप इससे सरफ भी बना सकते हैं, सरफ बनाने में भी यही यूज होता है। सब एक बार दिखा देते, ये कास्टिक है, ये डालडा है, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है जो पानी की तरह होता है, ये एसिड सैलरी है, ये ब्लैक होता है, लिक्विड रहता है, थोड़ा गाढ़ा रहता है। इसके बाद ये वैक्स है, येलो वाला वैक्स है, ये अपना ब्लैक वाला वैक्स है, और ये ब्राउन वाला वैक्स है, ये सिलिकेट है, ये गोंद की तरह होता है। इतना सारा आइटम यूज होता है।